रीवा सहित देश के मजदूर और कर्मचारी संगठनों ने आज भारत बचाओ दिवस के रूप में मनाया है। 1942 में 8 अगस्त को मुंबई के आज़ाद मैदान में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अंग्रेज भारत छोड़ो का ऐलान किया था और 9 अगस्त को पूरे देश में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ देश की जनता सड़कों पर उतर गई थी। देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन ने इसी ऐतिहासिक दिवस की स्मृति में और उससे प्रेरणा लेते हुए देश की संपदा की हो रही लूट के खिलाफ भारत बचाओ दिवस आयोजित किया है। ट्रेड यूनियनों ने आज यानी 9 अगस्त को शासक वर्ग द्वारा सार्वजनिक उद्यमियों के प्रतिष्ठानों समेत अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों को देशी विदेशी पूंजीपतियों के सौंपे जाने के खिलाफ विरोध कार्रवाइयां आयोजित कर केंद्र सरकार के राष्ट्र विरोधी हथकंडों पर देशव्यापी विरोध दर्ज कराया है। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव किसान नेता बादल सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि आज एक बार फिर केंद्र सरकार देश में अंग्रेजों को लाने का काम कर रही है। अभी प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे और वहां एक समझौता किए जिसके बाद हिंदुस्तान अमेरिकी सामानों से भर जाएगा, यहां तक कि हमें दाल चावल आटा भी वहीं का लेना पड़ेगा। इसी विरोध को लेकर आज पूरे देश में भारत बचाओ आंदोलन किया जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। अखिल भारतीय किसान सभा का संयुक्त सचिव हूँ। आज पूरे देश भर में हजारों स्थानों पर संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों का 10 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों का जो मोर्चा है उसने मिलकर पूरे देश भर में विरोध कार्रवाइयाँ करने का आह्वान किया है। हमारी चिंता ये है कि 9 अगस्त 1942 को भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक टर्निंग पॉइंट था। उस दिन पूरे देश की जनता ने ये नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। बहुत भारी कुर्बानियाँ हुई थी उसके बाद भी और उससे पहले भी। दुर्भाग्य की बात यह कि ये जो 75वीं सालगिरह हमारी आज़ादी की मनने ही है, जिसे अमृत महोत्सव कहा जाना चाहिए, जो है भी, उस अमृत महोत्सव के दौरान आज हम अगर पिछली ओर विजिट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जिन मांगों को लेकर, जिन मूल्यों को लेकर हमारे पुरखे लड़े थे वो सारे के सारे झुटलाए जा रहे हैं और दोबारा से अंग्रेजों को हमने भगाया था वो अमरीका को वापस लेके आ रहे हैं। मैं केवल एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि अभी अमरीकी संसद में हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण था, हमारी मीडिया ने ये छापा कि 17 बार वहाँ के MPO ने ताली बजाई, 18 बार वो लोग खड़े हुए, लेकिन समझौते क्या हुए? इस तरीके के खतरनाक समझौते वो करके आए हैं जिनकी वजह से अमरीकी माल से ये पूरा देश पट जाने वाला है।